अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुर्दा मसाला। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल में अभी हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, एक चम्मच काली मिर्ची, एक चम्मच जीरा और 3 से 4 लौंग, और डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें लाल होने तक के भून लेना है अच्छे से। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें गुर्दा डाल देंगे। गुर्दे को मैंने 7-8 पानी में धोकर ले ली हूँ अच्छे से। ये 1/2 किलो गुर्दा है। इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये मैंने 3 टमाटर को गोल गोल काट कर ले ली हूँ। और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे, और बीच बीच में इसको देखते भी रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे चेक करेंगे। टमाटर देखिए हमारे अच्छे से एकदम नरम हो चुके हैं। अभी हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से घोट देंगे टमाटर को। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन ढककर इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट होने के बाद अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए गुर्दे हमारे एकदम अच्छे से गल भी चुके हैं, मसाला भी हमारा अच्छे से बन गया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच दही। दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद हमें इसे 1-2 मिनट के लिए फिर पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, और इसको मिक्स करके हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए गुर्दा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना गुर्दा मसाला कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।